हरियाणा में धान की खरीद आज से शुरू की। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार से जो पत्राचार किया गया था उसका देर रात जवाब आया है और आज से प्रदेश में धान की खरीद शुरू हो जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास ही खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले का विभाग भी है। दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार से जो पत्राचार किया गया था उसका देर रात जवाब आया है और कल से प्रदेश में यानी कि आज से प्रदेश में धान की खरीद शुरू हो जाएगी। 2.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा की प्रिक्योरमेंट की अनुमति दी गई है और हैफेड के माध्यम से प्रदेश की 92 मंडियों में प्रदेश सरकार प्रिक्योर करने का काम करेगी। तो वहीं धान की खरीदी के लिए प्रदेश में 211 परचेस सेंटर बनाए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजय अत्री जुड़ गया। अजय, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आज से धान की खरीद जो है वो शुरू हो जाएगी, क्या कुछ और अपडेट? जी बिल्कुल दीपाली, अगर धान की खरीद की बात करने लगे तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो जिस तरीके से धान की खरीद हो रही है उससे किसान कहीं ना कहीं असंतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। बीते शनिवार की अगर बात करें, रविवार की बात करें, तो अभी तक अधिकारियों के मुताबिक जो आंकड़े सामने आए हैं उससे कहा जा सकता है कि 55 MT जो है यहाँ पर बाजरे की खरीद हो पाई है। लेकिन अभी तक किसानों का कहना है कि उनके डाटा जो है वो अभी तक मेल नहीं खा रहे हैं। जैसा किसानों ने बताया कि 8 एकड़ का अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो उसमें केवल पोर्टल पर 3 एकड़ ही दर्शाया जा रहा है। इसके साथ ही पहले दिन की अगर बात करें शनिवार की, तो बीते शनिवार को बारिश के चलते काफी देरी तक खरीद शुरू नहीं हो पाई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और पोर्टल ही नहीं चल पाया जिससे खरीद के अंदर देरी देखी गई और वही बाजरा जो है काफी देरी से खरीदा जा सका। तो इसी को लेकर के किसानों में काफी रोष है कि सरकार के द्वारा जिस तरीके से आदेश यहाँ पर जारी किए गए हैं उन आदेशों की पूरी तरह पालना नहीं हो पा रही है और ऐसे में किसानों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर खरीद व्यवस्था की बात करने लगे तो दीपाली आपको बता दें कि रेवाड़ी जिला में 2 मंडियों में मुख्य तौर पर, एक रेवाड़ी जिला मुख्यालय पर तो दूसरी जो है कोसली उपमंडल स्तर पर अनाज मंडी है, दोनों ही जगहों पर खरीद की जा रही है। लेकिन अभी तक पोर्टल व्यवस्था कहें इसको किसानों की ओर से कहने वाली बात या फिर अन्य दिक्कत होगी तो कहीं ना कहीं किसानों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की ओर से बेशक 2200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से यहाँ पर बाजरे की खरीद की जा रही हो, लेकिन अन्य दिक्कतों के चलते किसान बेहद परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल अजय, बिल्कुल आपने सही कहा कि किसानों को खास दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें भी हमारे पास लगातार सामने आ रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए अजय अत्री। चलिए।